मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां अलीगढ़ की ट्विंकल के लिए और कठुआ की आसफा के लिए प्रोटेस्ट रखा गया है। यहां बड़ी तादाद में नौजवान और महिलाएं धरने पर बैठी हैं, जिनकी मांग ये है कि इस तरह के जो अपराधी हैं और इस तरह के अपराध करने वाले हैं, उनको अगर कोई फांसी से बड़ी सज़ा हो तो वो दी जानी चाहिए। मेरे साथ हर्ष चिकारा मौजूद हैं। आपने आज का ये प्रोग्राम रखा, प्रोटेस्ट रखा है आपका, क्या मांगे हैं आपकी और किस तरह से आप इस तरह के केसेस को देखते हैं, क्या चाहते हैं, इनमें क्या होना चाहिए? 14 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं, जो जितनी भी नाबालिग होती हैं, हम चाहते हैं कि जो खूनी दरिंदे होते हैं, बलात्कारी हों या फिर हत्या कर इतनी क्रूरता से हत्या करते हैं, उनको तुरंत और तुरंत फांसी की सज़ा हो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का टाइम दिया जाए, 10 दिन के अंदर उनको एक बीच चौराहे पर फांसी लटकाए, जिससे और जो क्रूरता करने वाले गुंडे मवाली हैं उनको सीख मिलेगी। अगर आप लोगों ने भी आगे ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा होगा। आपने आज अपने जो बैनर लगाया उस पर लिखा है, यहाँ कल आपकी बेटी भी हो सकती है। आपने फोटो देखा होगा, वहाँ पे आसिफा का लगा हुआ, आपने फोटो देखा होगा वहाँ पे ट्विंकल शर्मा का लगा हुआ, वो इसलिए है। कुछ भाई इसको, इस चीज़ को, ये जो मुद्दा ट्विंकल शर्मा वाला है, एक जाति धर्म मजहब में बांटना चाहते हैं। ऐसा ना करें मेरे साथियों, बेटी किसी की भी हो, वो थी तो एक बेटी, और रेपिस्ट कोई भी हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, रेपिस्ट एक रेपिस्ट ही होता है। अलीगढ़ में यही चीज़ तो देखने को मिली कि अभी मुसलमान लोगों की एक बारात जा रही थी, उसको ये कह के निशाना बनाया गया कि तुम मुल्ले हो, तुम मुल्ले हो। देखिए, जो राजनीति करने वाले होते हैं, जो आवारा तत्व होते हैं, वो ये काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ भारत देश के अंदर भारत को तोड़ने की कोशिश भारत का नागरिक कदापि नहीं करेगा। सरकार इसमें कड़े एक्शन क्यों नहीं ले रही है अभी तक? ये बात हमारी भी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए तो धरना चल रहा है यहाँ पे। कब तक आप इसको लेके बैठे रहेंगे, जारी रखेंगे, चाहते क्या कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं, हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक रेपिस्टों के लिए फांसी का न्याय लागू नहीं हो लेगा। पास तो हो रखा है, पास तो सब बोल रहे हैं कि पास कर रखा, लेकिन लागू तो नहीं हुआ अभी तक, किसी को फांसी तो नहीं तोड़ा ना। ठीक है, तो आपने देखा आज यहाँ जो लोग धरने पर बैठे हैं, खासतौर से हर्ष चिकारा, इनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का रंग देने की जो कोशिश की जा रही है, पहली बात तो ये है कि वो कामयाब ये लोग होने नहीं देंगे, और अगर इस तरह की जो कोशिश करने वाले लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की तहजीब है, वो ये सिखाती है कि बेटी तो बेटी है, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। आज की जो राजनीति है वो इतनी भयंकर हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है, को प्रतिनिधि प्रधान नहीं रही है, और प्रतिनिधि प्रधान नहीं रही है इसीलिए हम लोग भटकते रहते हैं। कोई टाइम होता था कि जब कैंडिडेट देखा जाता था और कैंडिडेट के हिसाब से ही हम लोग उसको अपना मत प्रदान करते थे कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है या एक कैंडिडेट बुरा है, लेकिन आज की डेट में जो हमारे प्रथा ऐसी चल गई है कि हम केवल प्रधानमंत्री को देखें, क्या हम केवल और व्यक्ति विशेष को देखें, और व्यक्ति विशेष के बेस पे हम किसी भी गधे घोड़े उल्लू चमार किसी को भी मतलब हम वोट दे दें, वो पढ़ा है लिखा है नहीं है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो राजनीति एकदम से घटनाक्रम चेंज हुआ है, इसमें बहुत बड़ी एक मानसिकता ऐसी बैठी हुई है कि ये जो शरारती तत्व हैं वो बहुत उजागर हो जाते हैं और उनको भय मुक्त हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे क्षेत्र से कहीं बाहर से आके अगर चुनाव लड़ा है तो वो मेरे क्षेत्र में आके क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा और इसका कुछ पनिशमेंट नहीं मिल पाएगा। पिछला दो दिन से एक्चुअली कामनी झा के साथ और आरती प्रजापति के साथ मैं धरने पर बैठा हुआ हूँ। जो ट्विंकल शर्मा नाम की लड़की जो अलीगढ़ की रहने वाली थी, और 3 साल के बच्चे के साथ जो भी हुआ है, वो दरिंदों ने जो किया है, बेशियाना हमला जो किया है, वो एक अपने आप में हमारे देश को, हमारे हम लोगों को एक झकझोरने वाली एक घटना हुई है, और उसी के उपलक्ष्य में एक्चुअली हम यहाँ बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी कोई एक साथ कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन एक संविधान के अंदर एक संशोधन करके कोई भी इस टाइप का एक बिल एक पास किया जाए कि जिसके अंदर
18 साल की नीचे बच्ची को, मैं तो कहता हूँ कि चाहे वो 2 साल की है 3 साल की है, वो बच्ची एक्चुअली क्या अपनी जीवन की आर्थिक स्थितियों को समझ भी नहीं पाती है, और उसके साथ ये जो घटना होती है उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये चीज़ जो घटना होती है, ये कामनी जाने सही कहा था कि उनको जो लाइव करके एक्चुअली क्या है कि बीच चौराहे पे ऐसा संविधान के अंदर संशोधन और बिल पास करके ऐसा नियम बनाया जाए कि उनको बीच चौराहे पर जैसे सऊदी अरब के अंदर होता है और वो फांसी दी जाए, जिससे कि लोग देखें और देखने के बाद कम से कम उनको एक बार भी डर जरूर महसूस होगा, उस दुष्कर्म करने से पहले ये डर होगा कि मैं इसको करूं या ना करूं, वो हजार बार सोचेगा। और आज की देश में हमारी जो रीढ़ी की जो हड्डी है एक युवा है, और युवा अगर चाहे तो हमारे देश के नियम को, संशोधन को, संविधान को बहुत तेज़ी से बदल सकती है, और बदलना भी चाहिए।